दिवाली स्पेशल आज हम बनाएंगे मीठी मठरी। यहाँ पर लेंगे हम आधा कप मैदा जिसे हमने छान लिया है, उसी कप से आधा कप लेंगे सूजी, उसी कप से हमने लिया एक कप आटा घर का है ये, उसी कप से हमने लिए यहाँ पे आधा कप पिसी हुई चीनी, उसी कप से हमने लिया आधा कप नारियल का बुरादा, दो कप लेंगे यहाँ पे छोटे चम्मच से बड़े चम्मच दो कप सफेद तिल, एक चम्मच यहाँ पे हम सौंफ लिए हैं, इसका टेस्ट मीठी मठरी बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसमें मोयम डालेंगे, मोयम हमें इतना डालना है कि जब सूखा ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो एक डो जैसे बननी चाहिए, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। यहाँ पर देखिए हाथों से हमने अच्छे से घी को डाल के मिक्स कर लिया है, देखिए एक डो जैसे बनने लगी है ये, मतलब कि मोयम एकदम परफेक्ट हमने दिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटे को सॉफ्ट गूथ लेंगे, न ज्यादा सॉफ्ट न ज्यादा हार्ड। यहाँ पे देखिए आटे को हमने एकदम गूथ लिया है, न ज्यादा सॉफ्ट गूथा है न ज्यादा हार्ड गूथा है, और इसे हम रेस्ट बिल्कुल नहीं देंगे, इसे तुरंत बनाना शुरू करेंगे क्योंकि हमने पीसी हुई चीनी डाली है। रेस्ट देंगे तो आटा जो है वो धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाएगी। तो आटे को हाफ एंड हाफ करेंगे, इसे हम रोल जैसे तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए रोल जैसे हमने बना लिया है, अब इसे हम इस तरह से बराबर साइज में एकदम कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद एक भाग इस तरह से उठाएंगे, देखिए हमें इसका शेप चेंज बिल्कुल नहीं करना है, इसी शेप में बनाएंगे हम, बेलन भी नहीं चलाएंगे बिल्कुल इस पे, ऐसे देखिए। इस तरह से करने के बाद यहाँ पे देखिए हमने फोर्क लिया है, फोर्क से हम ऐसे छेद कर देंगे। तो हमारी देखिए मठरी बिल्कुल रेडी है, ऐसे ही सभी को बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मठरियाँ हमने तैयार कर ली है, अब इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑयल जो है हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, एक एक बिस्कुट के यहाँ पे डालेंगे। बिस्कुट को हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करेंगे, तभी अंदर तक अच्छे से पक पाएंगे। यहाँ पे देखिए मठरियों को हमने फ्राई कर लिया है, बाकी के भी हम फ्राई कर रहे हैं। देखिए मठरी बन के बिल्कुल रेडी, बहुत ही अच्छी मठरी बनी है, आप देख सकते हैं बहुत ही क्रंची से स्पाइसी से मठरी बन के रेडी है। इसे मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, बिल्कुल अच्छे से बन गए, देखिए बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं ये, बिल्कुल कच्चे नहीं है ये। दिवाली स्पेशल ये मठरी ज़रूर बनाइए। मैं मिलती हूँ अगले रेसिपी में आपके साथ। थैंक यू, नमस्कार।